मैं समीश वाले लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर आप सबका स्वागत करता हूँ इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर मैं जो सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इस कोर्स में अपन ने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी जो कि 12 मार्क्स के लिए MSBT थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है। और इस चैप्टर का जो कोर्स आउटकम है वो है चेक दी ब्रॉड बेस वर्किंग ऑफ पेल्टन एंड फ्रांसिस टर्बाइन। देन जो आज का अपना टॉपिक है वो है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो पिछले वीडियो में अपन ने पंप क्या होता है वो देखे थे, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ पंप देखे थे, उसके बाद में रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है वो देखे थे और रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्लासिफिकेशन देखे थे। तो उसमें अपन ने देखे थे कि वाटर पिस्टन के कितने कांटेक्ट में आने से उसको अपन ने क्लासिफाई किए थे। अगर एक साइड में पिस्टन के एक साइड में कांटेक्ट में आ रहा है वाटर तो उसको सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते थे, और पिस्टन के अगर दोनों साइड में वाटर कांटेक्ट में आ रहा था उसको डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ते थे। तो आज के वीडियो में अपन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अपन देख लेते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है आज के वीडियो के। तो आज के वीडियो में अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो आप ये वीडियो देखने के बाद में आइडेंटिफाई कर पाओगे डिफरेंट पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन अंडरस्टैंड दी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। उसके बाद में सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहेंगे, वो किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसका कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। एंड देन एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। और लास्टली आप जो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो किस तरीके से काम करता है उसकी वर्किंग आप एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आज के वीडियो में ये इतनी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। देन नेक्स्ट है PO एंड PSO मैपिंग। तो PO आप सभी को पता है PO क्या होता है, PO इज नथिंग बट होता है प्रोग्राम आउटकम, और PSO होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। तो जो प्रोग्राम आउटकम आज के वीडियो से मैप्ड हो रहे हैं वो है सबसे पहला PO1, दैट इज़ बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो आपको बेसिक नॉलेज और डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज मिलने वाला है आज के वीडियो से, इसलिए ये PO1 मैप हो रहा है। देन नेक्स्ट PO जो मैप हो रहा है वो है PO4, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस। तो ये जो चैप्टर है पंप, इससे रिलेटेड आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना है जिसके लिए आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, इंजीनियरिंग टूल्स लगेंगे। तो ये PO4 इससे रिलेटेड रहता है, तो इसलिए PO4 मैप्ड हो रहा है। देन PO6 होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर में आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद में इंडिविजुअल और टीम वर्क। तो आप जो भी प्रैक्टिकल्स करोगे वो इंडिविजुअली करोगे, उसको परफॉर्म करेंगे, उसके बाद में जब आप माइक्रो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे वो आपको टीम में देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है कायम PO6 में, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो इसलिए ये PO मैप हो रहा है। और लास्टली जो PO मैप हो रहा है वो है PO7, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आप जो भी चीज़ आज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़ने वाले हो वो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे, इसलिए PO7 आज की वीडियो में मैप्ड हो रहा है। तो ये चार PO आज के वीडियो से मैप्ड हो रहे हैं, क्लियर है। तो चलो दोस्तों आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है वो अपन देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो रेसिप्रोकेटिंग है मतलब इसमें क्या रहेगा, एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट रहेगा। कोई भी रेसिप्रोकेटिंग पंप रहेगा उस वाले रेसिप्रोकेटिंग पंप में कौन सा अरेंजमेंट रहेगा, एक सिलेंडर रहेगा और एक पिस्टन का अरेंजमेंट रहेगा। तो ये यहाँ पर एक दिख रहा है आपको, एक सिलेंडर दिया हुआ है, ये एक सिलेंडर है बाहर का, ये सिलेंडर है, इसके अंदर में ये क्या हो रहा है, ये पिस्टन है। ये पिस्टन क्या करेगा, इसके अंदर में रेसिप्रोकेट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा मतलब मूव करेगा। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकेट, ये हो गया अपना पिस्टन। देन ये जो बाहर का पोर्शन है इसको बोला जाता है सिलेंडर। देन यहाँ पे दो वॉल दिए हुए रहते हैं, ये सिलेंडर में एक वॉल रहता है जिसको सक्शन वॉल बोलते हैं, यहाँ पर एक वॉल दिया हुआ रहता है जिसको सक्शन वॉल बोलते हैं, और एक वॉल रहता है जिसको डिलीवरी वॉल बोलते हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद में ये जो पिस्टन है ये कनेक्टेड रहता है एक रॉड से जिसको बोला जाता है पिस्टन रॉड। एक पिस्टन रहता है जो कनेक्टेड रहता है एक रॉड से जिसको बोलते हैं अपन पिस्टन रॉड। फिर पिस्टन रॉड कनेक्टेड रहता है एक चीज़ से जिसको बोला जाता है कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन रॉड एक चीज़ से, एक रॉड से कनेक्टेड रहता है जिसको बोला जाता है कनेक्टिंग रॉड। और ये कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड रहता है अपना किसको, क्रैंक को। ये कनेक्टिंग रॉड अपना कनेक्टेड रहता है किसको, क्रैंक को। तो समझ में आया क्या 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 है, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में पिस्टन है, पिस्टन कनेक्टेड है किसको, पिस्टन रॉड से।
देन पिस्टन रॉड कनेक्टेड है अपना कनेक्टिंग रॉड से और कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड है अपना क्रैंक से, क्लियर है। उसके बाद में दो वॉल्व दिए हुए हैं, एक वॉल है अपना कौन सा सक्शन वॉल और एक वॉल है अपना कौन सा डिलीवरी वॉल। तो ये जो सक्शन साइड का जो वॉल रहता है वो एक पाइप से कनेक्टेड रहता है, एक पाइप से कनेक्टेड रहता है और वो पाइप को बोला जाता है सक्शन पाइप। ये जो सक्शन वॉल रहता है वो एक साइड से एक पाइप को कनेक्टेड रहता है, जिस वाले पाइप को बोला जाता है सक्शन पाइप। और जो डिलीवरी वॉल रहता है वो एक साइड में दूसरे साइड से उसको दूसरा पाइप कनेक्टेड रहता है, जिसको बोला जाता है डिलीवरी पाइप। तो जो सक्शन वॉल है से जो पाइप कनेक्टेड रहता है उसको बोला जाता है सक्शन पाइप, और जो अपना डिलीवरी साइड से जो वॉल रहता है उसको बोला जाता है डिलीवरी पाइप, क्लियर है। तो अभी अपने को जहाँ से भी पानी अपने को लिफ्ट करना है, पंप काहे के लिए यूज़ करते हैं अपन, पंप उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि एक जगह से पानी को दूसरे जगह पे अपने को जब ट्रांसफ़र करना रहता है, मतलब एक हाइट से दूसरे हाइट तक के, मतलब अपने को ग्राउंड फ्लोर से अगर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में पानी को लेकर जाना है तो अपने को वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ता, पंप यूज़ करना पड़ता, क्योंकि नेचुरल सर्कुलेशन से पानी ऊपर में चढ़ता नहीं है। तो अपने को वो पानी को क्या करना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है, मतलब वो पानी में प्रेशर एनर्जी जनरेट करना पड़ता है और उसके कारण से वो पानी कहाँ पर जाता है, अपना ऊपर साइड में जाता है। तो इस चीज़ के लिए अपने को क्या यूज़ करना पड़ता है, पंप। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो सक्शन पाइप रहता है वो अपने को उस वाले इसमें डाल देते हैं जहाँ से अपने को पानी को लिफ्ट करना है। तो यहाँ पे सम्प वेल, मतलब अगर कुएं में से अपने को पानी को निकालना है तो अपन क्या करते हैं, कुएं के अंदर में जो पाइप रहता है वो वाला पाइप डाल देते हैं, जिसमें कुआ है उसके अंदर में जो पानी है उसमें पाइप डाल देते हैं, उस वाले पाइप को बोला जाता है सक्शन पाइप। उस वाले पाइप को बोलते हैं अपन कौन सा, सक्शन पाइप, क्लियर है। तो ये सक्शन पाइप गया, तो अभी ये काम किस तरीके से करता है अपन देखते हैं। तो देखो ये जो क्रैंक है, ये जो क्रैंक है, ये क्रैंक का जो ये शाफ्ट है ये कनेक्टेड रहता है अपने मोटर से। ये क्रैंक जो है, ये क्रैंक का जो शाफ्ट है ये कनेक्टेड रहता है अपने किसको, मोटर को। तो जैसा अपन ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन की है, जैसा अपन ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन की है तो उस वैसे ही वो ये क्रैंक क्या होता है, रोटेट होना स्टार्ट होता है। वैसे ही ये क्रैंक क्या होता है अपना, रोटेट होना स्टार्ट होता है। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी है क्रैंक को, तो वैसे ही वो अपना क्या होता है, ये क्रैंक रोटेट होना स्टार्ट होता है। और क्रैंक जैसा रोटेट होता है तो क्रैंक को कनेक्टेड क्या है अपना, कनेक्टिंग रॉड। तो ये जैसा अपना क्रैंक रोटेट होगा, ये क्रैंक जैसा रोटेट होगा ये इधर साइड में रोटेट होगा, ये सर्कुलर, इसमें क्रैंक सर्कुलरली मोशन में रोटेट होता है। तो उसी उसके कारण से ये जो अपना कनेक्टिंग रॉड है ये भी क्या होगा, मूवमेंट करना चालू करेगा। तो क्रैंक अगर यहाँ से यहाँ पर आ गया तो ये कनेक्टिंग रॉड कहाँ पर आ जाएगा, ये कनेक्टिंग रॉड भी यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कनेक्टिंग रॉड कहाँ पर आ रहा है, अपना पीछे साइड में मूव हो रहा है। कनेक्टिंग रॉड जैसा पीछे साइड में मूव हो रहा है तो ये किससे कनेक्टेड है अपने, पिस्टन रॉड से। किससे कनेक्टेड है, पिस्टन रॉड से। और पिस्टन रॉड किसको कनेक्टेड है अपने, पिस्टन से। तो अपना पहले पिस्टन कहाँ पर था, ये देखो ये जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा है, ये डॉटेड पोर्शन के ऊपर में अपना पहले पिस्टन था। फिर जैसा अपन ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन किए तो अपना क्रैंक रोटेट होना चालू हुआ, तो अपना ये पिस्टन कहाँ पे मूव होना चालू हो गया, ये वाले पॉइंट से, ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। तो अपना ये इधर साइड में मूव होना चालू हो गया, अपना पिस्टन क्या हो गया, इधर साइड में मूव होना स्टार्ट हो गया। तो अपना पिस्टन कहाँ पे मूव हो रहा, इधर बैकवर्ड साइड में अपना पिस्टन मूव हो रहा। जब अपना पिस्टन ये सिलेंडर के अंदर में ये वाले पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के तरफ मूव होता है, तब क्या होता है कि ये जो पिस्टन है इसके आगे में जो पोर्शन रहता है, इसके आगे में जो पोर्शन रहता है वो पोर्शन में जनरेट हो जाता है वैक्यूम। वो पोर्शन में क्या जनरेट हो जाता है अपना, वो पोर्शन में जनरेट हो जाता है अपना वैक्यूम। तो जैसा ये पिस्टन अपने यहाँ से मूव हो गया, जैसा ये पिस्टन क्या हुआ अपना ये वाले पॉइंट से ये पीछे वाले पॉइंट तक के मूव हो रहा है, तो जब ये मूव होता है तो ये सिलेंडर के अंदर में पिस्टन के आगे में जनरेट होता है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर ऐसा रहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो वाला प्रेशर कम जनरेट हो जाता है अपना सिलेंडर के अंदर में। तो ये कम प्रेशर जनरेट होने के कारण से ये जो सक्शन वॉल है, ये सक्शन वॉल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। कम प्रेशर जनरेट होने के कारण से अपना ये जो सक्शन वॉल है ये ओपन हो जाता है, और सक्शन वॉल ओपन होने के कारण से ये जो पानी है, सक्शन वॉल ओपन होने के कारण से ये जो पानी है ये सक्शन पाइप के थ्रू अपना आ जाता है कहाँ पर, सिलेंडर के अंदर में। तो समझ में आ गया किस तरीके से पानी सिलेंडर के अंदर में आ रहा है। ये जो वॉल है, ये पिस्टन जब पीछे जाता है तो यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होता है, वैक्यूम मतलब नेगेटिव प्रेशर, और वो नेगेटिव प्रेशर के कारण से क्या होता है, ये अपना सक्शन वॉल ओपन हो जाता है, और ये सक्शन वॉल ओपन होने के कारण से ये जो पानी है ये पानी अपना लिफ्ट होना चालू हो जाता है। ये पानी आ जाता है अपना कहाँ पर, ये सक कर देता है, ये पूरा का पूरा पानी सक करता है कहाँ पर, सिलेंडर के अंदर में। तो ये सक्शन पाइप के थ्रू अपना पानी आ जाता है सिलेंडर के अंदर में। फिर क्या होता है अपना पिस्टन ये वाले पॉइंट से अभी इधर वाले पॉइंट में मूव करना स्टार्ट करता है, ये वाले पॉइंट से अभी ये वाले पॉइंट के ऊपर में आ गया। अभी फिर क्या करेगा, ये पिस्टन अपना इधर साइड में मूव करना स्टार्ट करेगा अभी पीछे से आगे की तरफ। तो उस टाइम पर अपना ये जो सक्शन वॉल है, ये सक्शन वॉल और अपना डिलीवरी वॉल दोनों बंद रहते हैं,
सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व बंद रहने के कारण से ये यहाँ पर जो पानी है ये पानी को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है और ये पानी हो जाता है कॉम्प्रेस्ड, मतलब अपन उसका वॉल्यूम कम कर रहे हैं। तो जब अपन ये वॉल्यूम कम करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जब अपन वो पानी का वॉल्यूम कम करते हैं तो तब उसका क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और वो ज़्यादा प्रेशर वाला जो पानी है फिर ये डिलीवरी वॉल्व ओपन हो जाता है और डिलीवरी पाइप से जहाँ पर भी अपने को सप्लाई करना है वहाँ पे अपन सप्लाई कर देते हैं। जहाँ पे भी अपने को डिलीवरी वॉल्व से सप्लाई करना है वहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, उसको सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से अपना ये रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करता है। तो जहाँ से अपन पानी लिफ्ट कर रहे हैं और सिलेंडर का जो हेड है उसके बीच तक के, जो सिलेंडर है उसके बीच तक के, और जहाँ से अपन पानी लिफ्ट कर रहे थे, ये जो जितना हेड के ऊपर में, जितने हाइट के ऊपर में अपन लिफ्ट करते हैं तो इसको बोला जाता है सक्शन हेड। ये वाले इसको क्या बोलते हैं अपन, सक्शन हेड। मतलब जहाँ से पानी अपन ले रहे हैं वो पानी का ऊपर सरफेस से सिलेंडर के सेंटर तक के जो पानी लिफ्ट कर रहे हैं उस वाले इसको बोला जाता है सक्शन हेड। और सिलेंडर के सेंटर से जहाँ तक के अपन पानी को सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ तक के अपन पानी को डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो वाले हाइट को बोला जाता है डिलीवरी हाइट। वो वाले हाइट को क्या बोलते हैं अपन, डिलीवरी हाइट। और जब पिस्टन अपना ये स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे वाले इसमें मूव करता है तो उस वाले स्ट्रोक को बोला जाता है सक्शन स्ट्रोक। और जब अपना पीछे से आगे तक के मूव होता है तो उस वाले इसको बोला जाता है अपना कौन सा, डिलीवरी स्ट्रोक। तो इस तरीके से अपना सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करता है। तो आपको यहाँ पे एनिमेशन में दिख रहा होगा, तो एनिमेशन में देखो ये जो है ये अपना क्या है, ये पिस्टन है, ये अपना पिस्टन है। उसके बाद में ये पिस्टन की रॉड है, ये अपना कनेक्टिंग रॉड है, ये अपना है क्रैंकशाफ्ट, क्लियर है। और ये अपना है सक्शन साइड, ये अपना है डिस्चार्ज साइड, ये अपना है सक्शन वॉल और ये अपना है डिस्चार्ज वॉल। तो जब ये देखो पिस्टन अपने यहाँ पे मूव हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे के तरफ में मूव हो रहा है, तो ये देखो सक्शन हो रहा है। यहाँ से ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये अपना पानी लेते हुए दिख रहा है। तो जैसे पिस्टन अपना पीछे साइड में मूव हो रहा है तो ये पानी कहाँ पे हो रहा है, सिलेंडर के अंदर में जा रहा है और सक हो रहा है। और सिलेंडर के अंदर में जाने के बाद में ये पिस्टन जब पीछे से आगे तक के तरफ मूव हो रहा है तो वो अपना पानी क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस्ड हो रहा है, उसका प्रेशर बढ़ जा रहा है और वो हाई प्रेशराइज लिक्विड अपना फिर अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपना सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो काम करता है, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग। तो अभी तक के मैंने जो भी बताया वो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग की वर्किंग है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो इनिशियली जो क्रैंक रहता है वो कहाँ पे रहता है, अपना इनर डेड सेंटर के ऊपर में रहता है। व्हेन क्रैंक रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब अपना क्रैंक रोटेट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन पिस्टन मूव टुवर्ड्स राइट। तो पिस्टन अपना राइट के तरफ में मूव होता है, पहले लेफ्ट के पास में रहता है, फिर जैसा क्रैंक रोटेट होता है वैसा पिस्टन क्या हो जाता है, मूव कर देता है राइट के तरफ। एंड वैक्यूम इज क्रिएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिस्टन, और उसके कारण से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है पिस्टन सिलेंडर के अंदर में, पिस्टन के आगे में। इट मीन प्रेशर इन द सिलेंडर ऑन लेफ्ट साइड डिक्रीजेस बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही बताया मैंने। प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस सक्शन वॉल्व गेट्स ओपन, और इसी कारण से अपना जो सक्शन वॉल्व रहता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। नाउ द लिक्विड इज फोर्स फ्रॉम द वॉटर सम दैट इज वॉटर रिजर्वायर इन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पिस्टन, और इसके कारण से क्या होता है अपना जहाँ से पानी है, जहाँ पर पानी अपना स्टोर करके रखा है, वो पानी अपना मूव करना चालू होता है सक्शन पाइप के थ्रू कहाँ पर, अपने सिलेंडर के अंदर में। तो यही चीज़ मैंने अभी बताया। देन क्या होता है, व्हेन द क्रैंक रीचेस द आउटर डेड सेंटर पोजीशन, जब क्रैंक अपना आउटर डेड पोजीशन सेंटर के ऊपर में रीच करता है, इट मींस दैट सक्शन स्ट्रोक इज कंप्लीट है एंड लेफ्ट साइड ऑफ द सिलेंडर इज फुल्ड ऑफ लिक्विड। तो उस टाइम पे जब पिस्टन अपना ओडीसी भी पहुंच जाता है आउटर डेड सेंटर में, तो जब अपना क्या हो जाता है, सक्शन स्ट्रोक जो रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसका मतलब यह है कि जो अपना पिस्टन के आगे वाला जो पोर्शन है सिलेंडर के अंदर में, वो पूरा का पूरा लिक्विड से फुल हो जाता है। व्हेन क्रैंक फर्दर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब क्रैंक अपना फिर से रोटेट करना चालू करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम ओडीसी टू आईडीसी, आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर में, द पिस्टन मूव्स इनवर्ड टू द लेफ्ट। तो अपना पिस्टन कहाँ हो रहा है, मूव करेंगे अभी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड मूव करता है। ड्यू टू दिस लिक्विड गेट पुश टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसके कारण से जो अपना लिक्विड रहता है सिलेंडर के अंदर में वो पुश्ड होना चालू करता है कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, बिल्डिंग अप हाई प्रेशर इन द सिलेंडर। और उसके कारण से जो सिलेंडर के अंदर में वो प्रेशर जनरेट होता है वाटर के ऊपर में, वो ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर इनसाइड सिलेंडर, इंक्रीज प्रेशर होने के कारण से सिलेंडर के अंदर में, दैट इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने के कारण से द डिलीवरी वॉल्व गेट्स ओपन। तो डिलीवरी वॉल्व अपना क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। एंड लिक्विड इज फोर्स्ड इनटू द डिलीवरी पाइप, और लिक्विड अपन सप्लाई कर देते कहाँ पर, डिलीवरी पाइप में। देन द लिक्विड इज पुश्ड एंड सेंट टू डिस्चार्ज टैंक, और लिक्विड को अपन भेज देते हैं डिस्चार्ज टैंक में जो कि लोकेट रहती है हायर साइड के ऊपर में थ्रू द डिलीवरी वॉल्व। व्हेन द क्रैंक कम बैक टू इनर डेड पोजीशन,
जब क्रैंक अपना इनर्डेट पोजीशन के ऊपर में आ जाता है वापस, इट मींस दैट डिलीवरी स्ट्रोक इज कम्प्लीट एंड थस वन साइकिल इज कम्प्लीट, और तब अपना डिलीवरी स्ट्रोक कम्प्लीट हो जाता है। जब पिस्टन अपना इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर में जाता है तब कौन सा स्ट्रोक कम्प्लीट होता है, अपना सक्शन स्ट्रोक कम्प्लीट होता है। जब आउटर डेड सेंटर से इनर डेड सेंटर में जाता है तब अपना कौन सा स्ट्रोक कम्प्लीट होता है, तब अपना डिलीवरी स्ट्रोक कम्प्लीट होता है। और एक सक्शन और एक डिलीवरी स्ट्रोक कम्प्लीट होता है तब एक साइकिल कम्प्लीट होती है अपनी काई की सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की। क्लियर है? विथ फर्दर रोटेशन ऑफ क्रैंक सेम साइकिल गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन, और जैसा जैसा क्रैंक रोटेट होते जाएगा ये सेम साइकिल रिपीट होते जाएंगे। मतलब पहले सक्शन स्ट्रोक होते जाएगा, फिर डिलीवरी स्ट्रोक होते जाएगा, फिर सक्शन स्ट्रोक होते जाएगा, फिर डिलीवरी स्ट्रोक होते जाएगा, और इससे अपने को हाई प्रेशराइज वाटर मिलते रहेगा। तो इस तरीके से अपना सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के एडवांटेजेस। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप हैज़ एबिलिटी टू डेवलप वेरी हाई प्रेशर विथ मॉडरेट डिस्चार्ज। तो जहाँ पर भी हाई प्रेशर चाहिए अपने को, जहाँ पर भी अपने को हाई प्रेशर चाहिए वहाँ पे अपन कौन सा पंप यूज़ करते हैं, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। और इसका जो डिस्चार्ज मिलता है वो अपने को कम मिलता है, देयरफॉर दे आर प्रीफर्ड ओवर सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसीलिए इसको अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप से के अलावा यूज़ करते हैं, वेयर हाई प्रेशर एंड मॉडरेट डिस्चार्ज इज रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन लाइक पंपिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम डीप वेल हाइड्रोलिक डिवाइस लाइक हाइड्रोलिक जैक। तो ये अपन जहाँ पे ऑयल वगैरह को अपने को पंप करना रहता है वहाँ पे अपन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप को यूज़ करते हैं, और जो हाइड्रोलिक डिवाइस है जैसा हाइड्रोलिक जैक वगैरह वहाँ पे भी अपन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो प्रेशर जनरेशन की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर है? दैन नेक्स्ट देखते हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के एप्लीकेशन, ये कहाँ पर यूज़ होता है। तो ये यूज़ होता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप अपना हाइड्रोलिक जैक्स में यूज़ होता है। देन फीड वाटर यूज इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में जहाँ पे अपने को वाटर को सप्लाई करना पड़ता है वहाँ पर भी अपन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ करते हैं। देन न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम में भी अपन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ करते हैं। देन फायर फाइटिंग सिस्टम, जहाँ पे आग बुझाने वाली जो सिस्टम रहता है फायर फाइटिंग वाला, वहाँ पर भी अपन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप को यूज़ करते हैं। देन स्मॉल हैंड ऑपरेटेड पंप, जहाँ पे भी स्मॉल हैंड ऑपरेटेड पंप यूज़ होते हैं वहाँ पे भी सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ होता है। क्लियर है? तो ये कुछ एप्लीकेशन है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के। देन वॉशिंग एंड सर्विसिंग सेंटर, जहाँ पे अपन गाड़ियाँ धोते हैं वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है गाड़ी धोने के लिए, तो वहाँ पर भी अपन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ किया जाता है। पंपिंग ऑफ ऑयल फ्रॉम डीप वेल, जहाँ पे ऑयल वगैरह को पंप करना है बहुत गहरे वेल से, तो वहाँ पर भी अपन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करते हैं। तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे, आज अपन ने क्या क्या पढ़े। सबसे पहले तो अपन ने आइडेंटिफाई किए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग के पार्ट्स, देन उसका कंस्ट्रक्शन देखे, उसके बाद में उसकी वर्किंग देखे, उसके बाद में उसका एडवांटेजेस देखे, और लास्टली अपन ने एप्लीकेशन देखे कह के सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की। तो PO एंड PSO मैपिंग, तो कौन से PO मैप हो रहे हैं आज के वीडियो से अपने, तो PO1 मैप हो रहा है, PO4 मैप हो रहा है, PO6 एंड PO7, तो ये POs आज के वीडियो से अपने मैप्ड हो रहे थे। क्लियर है? सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग देखने वाले हैं। तो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।